ये वोल्टेज को फ्लैक्चुएट नहीं होने देगा दोस्तों, जिस कारण आपका एलईडी बहुत ही लंबा चलेगा, बहुत जल्दी खराब नहीं होगा। बहुत ऐसी जगह पे देखिए कि दोस्तों गांव देहात में आपका वोल्टेज बहुत जल्दी फ्लैक्चुएट होते रहता है, जिस कारण एलईडी बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। अगर आप इस टाइप से कनेक्शन कीजिएगा तो ये आपका एलईडी बल्ब जल्दी खराब नहीं होगा। देखिए हेलो दोस्तों, टेक्निकल सीटेक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम एक स्विच बोर्ड का वायरिंग करेंगे और ये वायरिंग बहुत ही स्पेशल होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसमें हम एलईडी बल्ब के लिए कनेक्शन करेंगे, जो बहुत ऐसे जगह पे दोस्तों वोल्टेज फ्लक्चुएट करने के कारण बहुत जल्दी एलईडी बल्ब ख़राब हो जाते हैं। तो आज हम एक नया तरीका से आपको एलईडी बल्ब का कनेक्शन करके दिखाएंगे, जिससे आपका एलईडी बल्ब दोस्तों बहुत ही लंबा चलेगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा। हम 95% आपको बता दे रहे हैं दोस्तों कि आपका एलईडी बल्ब जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट में दोस्तों हम ये तीनों जो मेरा रहेगा, ये तीनों स्विच को हम एलईडी के साथ कनेक्शन करेंगे, एलईडी बल्ब के साथ कनेक्शन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखिए वायर छील लिए हैं, वायर छील के हम इसमें लगा ले रहे हैं नीचे वाले टर्मिनल पे। इसको हम लगाएंगे इस टाइप से। अब इसको इसके टर्मिनल जो रहते हैं दोस्तों, इसको फिटिंग कर देना है बढ़िया से। दोस्तों हम न्यूट्रल वायर का कनेक्शन करेंगे यहाँ पे। ये देखिए ये मेरा न्यूट्रल वायर यहाँ से यहाँ तक लेंगे, दोनों सॉकेट के लिए हम न्यूट्रल वायर का कनेक्शन करेंगे। इसको सॉकेट के ये दो वाले टर्मिनल पे हम इसको लगा देंगे इस टाइप से, इसको फिटिंग कर देंगे। इसको अच्छे से टाइट करना होगा दोस्तों। दोनों वायर पे मेरा, दोनों सॉकेट पे दोस्तों मेरा न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया है। अब दोस्तों ये सॉकेट के लिए हम फेज सप्लाई लेंगे, ये स्विच से ऊपर वाले टर्मिनल है जो, यहाँ से हम फेज सप्लाई लेंगे। तो चलिए हम इसको लगा लेते हैं, ये ऊपर वाले टर्मिनल से फेज सप्लाई लेना है हमको। अब ये सॉकेट में ये वाला टर्मिनल पे सॉकेट का रेड वायर जो है उसको लगा लेते हैं इस टाइप से, देखिए। अब ये वाले सॉकेट के लिए भी एसी सप्लाई लेना होगा दोस्तों। तो हम यहाँ ये स्विच के जो मेरा दूसरा स्विच है, यहाँ से हम एसी सप्लाई लेंगे यहाँ के लिए। ये वाले टर्मिनल पे हम लगाएंगे। अब दोस्तों हम जो एसी फेज सप्लाई रहेगा 220 वोल्ट का, वो यहाँ से यहाँ ये जो दोनों टर्मिनल है दोस्तों, यहाँ पे हम इन करेंगे। तो ये देखिए मेरा एसी सप्लाई का ये फेज है, तो हम ये दोनों वाले टर्मिनल जो है दोनों स्विच के इसको लगा देंगे। ये मेरा एसी इन हो रहा है दोस्तों, ये एसी सप्लाई ये स्विच बोर्ड में इन कर रहे हैं हम, ये देखिए। और एक वायर लेंगे दोस्तों यहाँ से, ये मेरा फैन का जो स्विच है, इस स्विच के लिए डायरेक्ट हम यहाँ से वायर लेंगे, यहाँ से कनेक्ट करके इसमें लगाएंगे, जिससे मेरा फैन को पावर सप्लाई मिल सके। फैन का जो स्विच है दोस्तों, यहीं से हम एसी सप्लाई लेंगे। तो चलिए इसको लगा लेते हैं हम, उसके बाद ये स्क्रू जो है उसको फिटिंग करेंगे इस टाइप से। अब ये जो स्विच है, ये इसके नीचे वाला टर्मिनल पे हम एसी सप्लाई लेंगे, जिससे मेरा फैन को ये सप्लाई मिल सके। इस टाइप से अब फैन का जो वायर है दोस्तों, दो वायर, जैसे कि अगर आपको फैन का कनेक्शन करना नहीं आता है तो इसमें आप देख के कर सकते हैं आसानी से।
ये वाला दोनों वायर में से एक वायर दोस्तों हम फैन में लगाएंगे और एक बार इसमें हम जो है एसी सप्लाई लेंगे। तो चलिए इसको हम, ये जो स्विच है मेरा फैन का स्विच है, इसको हम ऊपर वाले टर्मिनल पे लगा लेते हैं। अब ये वायर दोस्तों डायरेक्ट आपका फैन पे जाएगा और न्यूट्रल का डायरेक्ट लूप करके ले सकते हैं या आप स्विच बोर्ड से भी ले सकते हैं। अब दोस्तों जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि ये विशेष करके मेरा एलईडी बल्ब के प्रोटेक्शन के लिए ये बोर्ड का हम कनेक्शन कर रहे हैं। देखिए दोस्तों ये तीनों में हम जो एलईडी बल्ब का कनेक्शन करेंगे तो ये इसमें अभी तक हम एसी सप्लाई नहीं लिए, तो ये हम डायरेक्ट एसी सप्लाई नहीं लेंगे दोस्तों, क्योंकि ये वोल्टेज फ्लक्चुएट करते रहेगा जिस कारण मेरा एलईडी बल्ब बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ से एसी सप्लाई लेने के लिए दोस्तों हम एक कैपेसिटर का यूज़ करेंगे। ये देखिए मेरा 2.5 mFd का कैपेसिटर है जो हम फैन में यूज़ करते हैं, इसी से हम यहाँ से डायरेक्ट एसी सप्लाई लेंगे जिससे ये मेरा वोल्टेज फ्लक्चुएट को रोकेगा जिस कारण मेरा एलईडी जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों ये जो दो टर्मिनल देख रहे हैं आप, फर्स्ट वाले टर्मिनल को हम यहाँ पे लगा लेते हैं, जो एसी सप्लाई हम लिए हैं यहाँ पे लगाएंगे। ये डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी सप्लाई जिसमें फेज सप्लाई है उसमें इसको कनेक्शन कर रहे हैं। देखिए दोस्तों एक वायर का हम कनेक्शन कर लिए हैं जो जिसमें मेरा डायरेक्ट एसी सप्लाई आ रहा है फेज, उसमें कर लिए हैं। और ये जो एक वायर बच रहा है दोस्तों इसको हम, ये जो तीनों स्विच है इसमें यहाँ से हम एसी सप्लाई लेंगे। ये देखिए दोस्तों मेरा कैपेसिटर का कनेक्शन हो गया है, ये मेरा डायरेक्ट एसी सप्लाई इसमें डायरेक्ट स्विच बोर्ड पे स्विच में एसी सप्लाई नहीं आएगा दोस्तों, ये कैपेसिटर के द्वारा होके ये मेरा एसी सप्लाई आएगा जिससे जो मेरा एलईडी बोर्ड रहेगा वोल्टेज फ्लक्चुएट होने के कारण जो ख़राब होता है वो नहीं होगा। अब दोस्तों ये तीनों वायर जो है यहाँ से हम एक एक वायर, तीनों वायर जो है यहाँ से हम एलईडी बोर्ड का कनेक्शन करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले आपको होल्डर ले लेते हैं जिसमें हम एलईडी बोर्ड का कनेक्शन करेंगे। तो चलिए होल्डर ले लेते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हम तीन गो होल्डर ले लिए हैं, तीनों में हम न्यूट्रल वायर का कनेक्शन कर दिए हैं लूप करके, तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम न्यूट्रल का कनेक्शन कर लिए हैं। ये देखिए वो खोल के भी दिखा रहे हैं, देखिए तीनों में हम न्यूट्रल वायर का कनेक्शन हो गया है इस टाइप से दोस्तों। अब हम फेज सप्लाई लेंगे दोस्तों, तीन फेज सप्लाई जो लेंगे तीनों बल्ब के लिए, वो यहाँ से एक एक करके तीनों वायर के लिए हम फेज सप्लाई लेंगे। तो चलिए हम फेज सप्लाई ले लेते हैं। ये फर्स्ट वाले देखिए, ये फर्स्ट वाले बॉल के लिए हम एसी सप्लाई यहाँ से ले रहे हैं। अब सेकेंड वाले स्विच के लिए भी ले लेंगे दोस्तों, ये जो मेरा सेकेंड वाला एलईडी बॉल लगेगा उसके लिए हम यहाँ से और एक वायर ले रहे हैं इस टाइप से देखिए। अब एक स्विच और बचा है दोस्तों, यहाँ से भी एक वायर ले लेते हैं जो मेरा एलईडी बल्ब के लिए होगा। देखिए मेरा तीन वायर हो गया दोस्तों इसमें। अब तीनों को हम जो होल्डर है उसमें एक एक वायर लगाएंगे। तो चलिए हम इसमें लगा लेते हैं एक एक बोल करके, जो एक एक वायर मेरा फेज सप्लाई नहीं लिए है वो फेज सप्लाई हम ले लेते हैं। ये हम फर्स्ट वाले होल्डर है उसमें लगा लेते हैं। अब इसको बंद कर देते हैं दोस्तों। अब जो ये सेकेंड वाले होल्डर है, ये सेकेंड वाले एलईडी बल्ब के लिए, इसमें भी हम इसका देखिए फेज सप्लाई ले लेते हैं। इसमें हम खाली अभी न्यूट्रल सप्लाई लिए थे, इसमें भी देखिए खोल लेते हैं इसको। इसको भी बंद कर लेते हैं दोस्तों। अब ये मेरा एक वायर जो बचा है दोस्तों, ये वायर, इसमें भी हम फेज सप्लाई ले लेते हैं। ये वाले जो लास्ट वाला होल्डर है इसमें भी हम एसी सप्लाई के लिए ले लेते हैं पावर।
इसमें भी न्यूट्रल का कनेक्शन किया हुआ था, फेज का कनेक्शन किया हुआ नहीं है। इस टाइप से देखिए दोस्तों, मेरा तीनों बल्ब में हम एसी सप्लाई ले लिए हैं, जो आज हम कनेक्शन करके आपको दिखा रहे हैं। एलईडी बल्ब जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, उसके प्रोटेक्शन के लिए जो हम ये कैपेसिटर लगाए हैं। इसमें देखिए दोस्तों, फेज का कनेक्शन हो गया है। अब इसमें हम न्यूट्रल का कनेक्शन नहीं किए हैं, तो न्यूट्रल का कनेक्शन दोस्तों हम डायरेक्ट जो न्यूट्रल वायर लेंगे वहाँ से उसके साथ भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे भी लगा के कर सकते हैं। तो चलिए हम न्यूट्रल वायर ले लेते हैं। ये देखिए, ये मेरा न्यूट्रल वायर है एसी सप्लाई के लिए, जो हम न्यूट्रल वायर लिए हैं। इसको हम दोनों को एक ही साथ कनेक्शन करेंगे इस टाइप से। और दोस्तों, ये वाला जो सॉकेट है, इसी में हम एसी सप्लाई का लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों, मेरा कनेक्शन पूरा हो गया है। बस केवल मेरा ये रेगुलेटर का एक जो वायर है फैन के लिए, इसका कनेक्शन हम नहीं किए हैं। इसमें फेज सप्लाई ले ली है, बस इसमें फैन में नहीं दिया। तो दोस्तों, आज अभी फैन का वायरिंग हम नहीं कर रहे हैं। हम जो एलईडी बल्ब, तीन एलईडी बल्ब लेंगे, जो मेरा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, उसके प्रोटेक्शन के लिए दोस्तों ये जो हम कैपेसिटर लिए हैं, फैन कैपेसिटर 2.5 MFD का। तो एलईडी बल्ब कैसे मेरा सुरक्षित रहेगा, जल्दी ख़राब नहीं हुआ, इसके लिए हम आज जो वीडियो बना रहे हैं। उसमें देखिए, मेरा कनेक्शन पूरा हो गया है। देखिए, तीनों वायर जो है फेज सप्लाई, हम तीनों स्विच से लिए हैं, और इसमें डायरेक्ट एसी सप्लाई जो नहीं लिए हैं दोस्तों, एक कैपेसिटर में कनेक्शन किए हैं। देखिए, ये मेरा कैपेसिटर का जो वायर है, इसमें डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी सप्लाई लिए, और ये दूसरे वाला टर्मिनल है दोस्तों। दूसरे वाला टर्मिनल जो है वो मेरा जो एलईडी बल्ब का स्विच है, उसमें हम इसको कनेक्शन किए हैं। और जो ये दोनों सॉकेट है दोस्तों, इसमें हम डायरेक्ट न्यूट्रल और फेज के, जैसे नॉर्मल स्विच बोर्ड में कनेक्शन होता है, उसी टाइप से किए हैं। इस टाइप से देखिए दोस्तों, मेरा बोर्ड का कनेक्शन लगभग पूरा हो गया है। देखिए, हम इसमें तीन होल्डर भी लगा लिए हैं, तीनों का अलग अलग फेज दिया हुआ है। तो इसमें हम एसी सप्लाई भी दे दिए हैं आपको, हम एसी सप्लाई टेस्ट करके भी दिखाते हैं। इसमें एसी सप्लाई मेरा आ गया है। देखिए, अभी सॉकेट में हम आपको लगा के दिखा रहे हैं। ये देखिए, इसमें मेरा एसी सप्लाई भी आ गया है, आपको टेस्टर में सही से नहीं दिख रहा है। तो चलिए, हम एक बार आपको पलट के दिखा देते हैं, नहीं तो आप लोग ये भी सोचिएगा कि कैपेसिटर का कनेक्शन खुला हुआ है। तो देखिए दोस्तों, मेरा कैपेसिटर का कनेक्शन खुला नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है जैसा हम कनेक्शन किए थे। तो चलिए, सबसे पहले इसको पलट लेते हैं। इसमें तीन बल्ब आपको लगा के दिखाते हैं। देखिए, कैपेसिटर है मेरा, इसमें तीन बल्ब लगा ले रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, ये मेरा 9 वाट का एलईडी बल्ब है। ये देखिए, 9 वाट का एलईडी बल्ब है ये, इसको हम लगा ले रहे हैं। और फिलहाल मेरे पास 9 वाट का और एलईडी बल्ब नहीं है दोस्तों, इस कारण हम 9 वाट का एलईडी बल्ब नहीं लगा पा रहे हैं। 20 वाट का एलईडी बल्ब है, तो इसको हम लगा लेते हैं। 9 वाट का बल्ब नहीं होने के कारण हम नहीं लगा पा रहे हैं, और एक बल्ब नहीं है दोस्तों, जिस कारण हम नहीं लगा पा रहे हैं। इसमें हम ये नाइट लैंप लगाते हैं। तो टोटल मेरा अभी ये 9 वाट का और ये 20 वाट का आपका 29 वाट का हो गया है। ये तो मेरा 0 वाट का नाइट लैंप है। तो ऐसे ही इसमें आप तीन एलईडी बल्ब जला सकते हैं, जब जो हम 2.5 MFD का कैपेसिटर लिए हैं, इसमें आप तीन एलईडी बल्ब जला सकते हैं। 9 18 वाट का आपका 18 वाट का आराम से जल सकता है। इससे ज़्यादा भी, अब ज़्यादा आप 6 भी LED बल्ब इसका इसमें लगा सकते हैं दोस्तों। बस आपका कैपेसिटर का जो पावर है वो आपको बढ़ाना होगा। तो चलिए, हम एक एक करके आपको ऑन करके दिखाते हैं, और देखते हैं कि कैसे मेरा ये लाइट ग्लो कर रहा है कैपेसिटर के द्वारा। और ये बहुत जल्दी ये ख़राब नहीं होने वाला है दोस्तों, ये बहुत ही लॉन्ग चलेगा, जो इस टाइप से हम कनेक्शन किए हैं, आपका जल्दी ख़राब नहीं होगा ये एलईडी बल्ब। देखिए, हम एक एलईडी बल्ब जला दिए हैं, और देखिए दोस्तों, दूसरा एलईडी बल्ब जला रहे हैं। ये देखिए, मेरा दूसरा एलईडी बल्ब जल गया है। अब नाइट लैंप को भी हम जला के आपको दिखाते हैं। देखिए, नाइट लैंप आपको पता नहीं चल रहा है, ये सबको बंद करना होगा, जिस कारण अगर बंद करेंगे तो ये नाइट लैंप आपको जल रहा है कि नहीं जल रहा है ये पता चल जाएगा। तो देखिए, हम दोनों नाइट लैंप इसको एलईडी बल्ब को बंद कर दिए, और ये मेरा देखिए नाइट लैंप भी जल रहा है। तो इस टाइप से दोस्तों, देखिए आपका तीनों मेरा एलईडी बल्ब जल गया है। ये आप इससे ज़्यादा भी लोड दे सकते हैं इसमें, बस आपको कैपेसिटर का पावर बढ़ाना होगा। और ऐसा कनेक्शन करके दोस्तों, आपका जो एलईडी बल्ब है दोस्तों, वो जल्दी ख़राब होगा नहीं। ये जो कैपेसिटर लगाए हैं हम, ये वोल्टेज को फ्लक्चुएट नहीं होने देगा दोस्तों, जिस कारण आपका एलईडी बहुत ही लंबा चलेगा, वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। बहुत ऐसी जगह पे देखिए दोस्तों, गांव देहात में आपका वोल्टेज बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होते रहता है, जिस कारण एलईडी बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अगर आप इस टाइप से कनेक्शन कीजिएगा तो ये आपका एलईडी बल्ब जल्दी ख़राब नहीं होगा। देखिए, मेरा तीनों वायर है, तीनों का अलग अलग स्विच से कनेक्शन लिए हैं,
और ये जो कैपेसिटर है दोस्तों, ये कैपेसिटर से हम डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी का फेज सप्लाई लिए हैं और न्यूट्रल को डायरेक्ट एलईडी पे हम लूप किए हैं, ये देखिए। और ये आपका कैपेसिटर के द्वारा होके मेरा नीचे वाले तीनों स्विच है, इसमें हम पावर सप्लाई लिए हैं, ये डायरेक्ट इसमें नहीं लिए हैं। और ये रेगुलेटर का दोस्तों अलग से कनेक्शन है, ये रेगुलेटर, ये दोनों स्विच और सॉकेट का अलग से है। केवल हम जो एलईडी बोल्ड के लिए आज जो बोर्ड बनाए थे कि एलईडी बोर्ड का प्रोटेक्शन के लिए, वो मेरा तीनों का अलग से है। बाकी ये आपका दोनों स्विच और सॉकेट और ये फैन के लिए जो है ये अलग से है दोस्तों। तो इस टाइप से आप कनेक्शन करके अपना घर में एलईडी बोर्ड को सुरक्षित रख सकते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होगा दोस्तों। इस टाइप से कनेक्शन करके आपको बहुत ही लॉन्ग चलेगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कॉमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, आपको कैसा लगा मेरा वीडियो और मेरा कनेक्शन आपको कैसा लगा, कॉमेंट जरूर करके बताइएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।